नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की परीक्षा में पेपर लीक हो गया और आपको बता दें कि परीक्षा रद्द करने को लेकर आयोग के दफ्तर में बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। इसके बीच आपको बता दें कि खबरें निकल के ये आ रही है कि वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा जो परीक्षा माफिया है उनको बचाने के लिए दबाव बनाना पुलिस पर शुरू कर दिया गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक एडमिट कार्ड, जो कि एडमिट कार्ड कल छात्रों के द्वारा ही दिखाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर की दिया हुआ है, उसका फोटो शेयर किया है तेजस्वी यादव ने। इससे पहले आपको हम बता दें कि 266 लोगों को गिरफ्तार करके बेउर जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 88 महिला अभ्यर्थी हैं। कुल 313 लोगों की गिरफ्तारी ईओयू के द्वारा किया गया है टीआरई 3 पेपर लीक से संबंधित। तो देखिए, तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं और उन्होंने सरकार के वरिष्ठ मंत्री पर ये आरोप लगाया है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, और ये कहा है कि पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि परीक्षा माफियाओं पर नकेल न कसी जाए। अब देखिए ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि हमने 17 महीनों का सुनहरा कार्यकाल, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वह बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दे दिया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है। और तो और, पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे मंत्रियों का नाम बुझो तो जाने। तो ये जो है एडमिट कार्ड शेयर किया गया है, जो कि परसों से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एडमिट कार्ड के पीछे जो है दिशा निर्देश में आंसर की भी दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। कल भी इन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि 4 लाख युवाओं को पेपर लीक के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वही एक बड़ा आरोप लगा है सरकार के तरफ, इन्होंने इशारा किया और कहा है कि वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो नकल माफियाओं को बचाने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि 313 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 88 महिला अभ्यर्थी हैं जिनको बेउर जेल भेजा गया है, 266 को जेल भेज दिया गया है और बाकी से पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें कि जिलों में भी इसको लेकर जांच चल रही है और ईओयू के सूत्रों के अनुसार बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी है, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।